अच्छा वीरू, मैं बात कर रहा था एक बायोकॉन की, कि बायोकॉन में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो स्टॉक इतना चल चुका था इसके लिए, वो देखिए कैसे कोलैप्स हुआ वो स्टॉक का। और आई थिंक कई बार ना ये भी थोड़ा सा एक इशू हो जाता है कि ओवरनाइट न्यूज़ की जो डेवलपमेंट है उसको आप जब अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ज़्यादा तवज्जो दें तो उससे कई ट्रेडर फंस जाते हैं। तो उस वजह से अब देखिए 2% ये स्टॉक नीचे आ गया और डे लो पर आ गया इस समय बायोकॉन का स्टॉक। एनीवे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आरती इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय लोअर लेवल के मूव्स आ रहे हैं। और अपसाइड पर इस समय IGL 4% ऊपर, महानगर गैस 4% ऊपर और ओरेकल फाइनेंशियल 2.5% ऊपर इस समय के कुछ ट्रेड्स। वीरू, बिल्कुल, चलिए अभी काम करते हैं। छोटी सी समरी आपने अब तक की इस कार्यक्रम की समझी, मतलब बाजार में क्या क्या हुआ। चार हमारे साथ मेहमान कविता जैन, राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के मौजूद हैं पहले से ही, सोनी पटनायक GM फाइनेंशियल्स से, और रचना वैद्य इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपके दो ट्रेड इस वक्त के मैम। जी गुड मॉर्निंग, और मेरे इस वक्त जो दो ट्रेड्स रहेंगे वो शॉर्ट साइड पे रहेंगे, बिकॉज आज ओवरऑल मार्केट में मुझे थोड़ा करेक्शन पुल बैक ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। सो आई लाइक टू गो शॉर्ट विद टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील, दोनों के फ्यूचर्स। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में यहाँ पे ओपनिंग प्राइस एक्शन भी बहुत नेगेटिव है, और हालांकि स्विंग सपोर्ट एक नजदीक आ रहा है लेकिन इट्स अ वीक वन, तो मेरे हिसाब से ये रुकना नहीं चाहिए वहां पे। 968 पे है फ्यूचर्स, अगर शॉर्ट करते हैं 978 पे अगर ऐसे लगाते हैं तो डाउनसाइड पे 948 की तरफ ये काउंटर जाने के लिए रेडी है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज टाटा मोटर्स। नाउ कमिंग टू टाटा स्टील। स्टॉक पे रचना जी एक मिनट, दूसरे स्टॉक पर आ रहा हूँ मैं, आपकी दूसरी कॉल पर आ रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिए, एक बार लिस्टिंग निपटा लेते हैं आज की, उसके बाद आएंगे आपकी दूसरी कॉल पर। PN गार्डगिल की लिस्टिंग हो रही है करीब करीब 73% ऊपर, 831 पर यह लिस्ट हुआ। एक हल्का सा डिफरेंशियल है BSE और NSE के प्राइस में, लेकिन वो सब नॉर्मल हो जाता है, अब सेटल हो रहा है ये ठीक ठाक तरीके से करीब करीब 820 पर। तो 820-830 के करीब का प्राइस इस समय PN गार्डगिल में, अब थोड़ा नीचे आ रहा है करीब करीब 816 पर इस समय आया, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि लिस्टिंग अच्छी है। देखिए एक्सपेक्टेड था कि लिस्टिंग अच्छी होगी, इस रीजन की सबसे बड़ी कंपनी है और ज्वेलरी की, और PNG के नाम से वो जाना जाता है, और अच्छा एक यहाँ पर एक नेटवर्क है कंपनी का, तो करीब करीब 70% की लिस्टिंग ठीक ठाक लिस्टिंग मानी जाएगी। है रचना जी, सॉरी, आपकी दूसरी पिक। ये जो दूसरी पिक रहेगी दैट विल बी टाटा स्टील के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। टाटा स्टील में प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 200 पीरियड को क्रॉस करने का अटेम्प्ट जो है उसको एक रिक्वायर्ड मोमेंटम मिलने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट, तो विच इज ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अगर 156 पे ऐसे लगाए और अगर फ्यूचर्स को सेल करे तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 150 और 148। ओके, चलिए अब सोनी के पास चला जाए। सोनी जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा सीमेंस पे, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सीमेंस फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं 6750, हल्की सी डिक्लाइन 6740 तक बाय कर सकते हैं। स्टॉपलेस रहेगा 6680, टारगेट है 6850, दूसरा टारगेट रहेगा 6900। एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और 6700 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ की सपोर्ट के साथ वहां पे काफी स्ट्रॉन्गली यहां पे खड़ा है। मुझे लगता है कि एक 6800 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा और 6850 6900 के तरफ जा सकता है। दूसरा बाई पिक यहाँ पे रहेगा इंदस टावर पे, जो कि आज एक रिवर्सल पैटर्न दिखाया है और यहाँ पे हमें लगता है कि 20 EMA के हर्डल को क्रॉस कर सकता है। सो इंदस टावर फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं 432, स्टॉपलेस रहेगा 425, पहला लक्ष्य 442, दूसरा लक्ष्य रहेगा 445। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 440 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5.5 पे खरीदारी कीजिए, स्टॉपलेस रहेगा 2.5, टारगेट है 8 और दूसरा टारगेट रहेगा 10.5। ओके, इंस्टावर्स पे 431 पे आपके बाय कॉल है। अच्छा, रचना जी की कॉल्स हो गई, सोनी जी की कॉल्स हो गई, अब चलते हैं कविता जी के पास, रह जाएंगे राजेश जी, उनको बाद में निपटाएंगे, पहले कविता जी के पास जाएंगे। कविता जी, आपकी दो कॉल्स। या सो बिरेन जी, मार्केट टेक्सचर इज लाइक इट्स इवेंट के पहले मुझे लग रहा है साइडवेज रह सकता है कुछ,
तो एफएमसीजी के साथ ही रहेंगे, जहां मुझे लगता है गोदरेज सीपी पर ध्यान देना चाहिए, 1460 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1435। यहाँ अगर मूवमेंट बनता है तो 1495 1500 तक के प्राइस टारगेट के लिए आप गोदरेज सीपी को फ्रॉम एफएमसीजी देखें। और दूसरा कॉल मैं कैश से देना चाहूंगी। कैश में मुझे लग रहा है अभी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। एस में बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग होते हुए दिख रही है, 1359 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। डिक्लाइन अप टू 1345 तक आप इसे देखें। अपसाइड मुझे लगता है 1390 1420 के लेवल तक ही जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1339 इटसेल्फ। ओके, एस 1360 पे आपका बाय कॉल। अब अपनी कॉल्स राजेश पालवे जी बताएंगे। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। इस वॉलेटिलिटी में दो सेक्टर फार्मा और आईटी, ये दोनों अभी भी स्टेबल लग रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे जो हमने कंटिन्यूटी देखी है एक अप ट्रेंड की यहाँ पे बनी रहेगी। तो पहला स्टॉक फार्मा स्पेस और उसमें डिवीज लैब हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक को अगर हम देखें तो अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जिस तरीके से फ्रेश बाइंग एक्शन वापस देखने को मिला है डिवीज लैब फ्यूचर, हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम पोजिशनली तो हमें काफी पसंद है स्टॉक, लेकिन अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे 5640 के। स्टॉप लॉस होगा करीब 5485 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है LTIMindtree। यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, ये स्टॉक अप मूव को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 6560 के टारगेट के लिए LTIMindtree को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6430 के आसपास। ओके, LTIMindtree, ये है आपका कॉल। अच्छा, आज जो निफ्टी बैंक को एक पुश प्रोवाइड कर रहा था वो स्टॉक था ICICI बैंक। अभी लेके आते हैं, इट्स 1267। आपकी सोनी जी रीडिंग क्या है ICICI बैंक को लेकर, क्योंकि ICICI बैंक इस वक्त अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं निफ्टी बैंक में इंडल्ज नहीं होना चाहता तो एक क्लियर व्यू आपका ICICI बैंक पे क्या वीरेंद्र जी, यहाँ पे है? मुझे लगता है ICICI बैंक पे एक 1240 का सपोर्ट बेस बनते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा 1270-75 की तरफ एक हल्का रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको अगर क्रॉस करेगा तो टुवर्ड्स 1300 भी जा सकता है। स्टॉक होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 1240 पे और एक ओवरऑल पोजिशनल टारगेट 1300 के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे जानते हैं मार्केट में क्या करना है इस समय। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना है इस भाव पर? अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो क्या बेच दें यहाँ पर, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? और अगर आपको नहीं मिला अलॉटमेंट तो क्या इस प्राइस पर खरीदें? गुड मॉर्निंग अनुज। बजाज हाउसिंग में किसी जिसको अलॉटमेंट मिला है उसको तो लॉटरी लगने जैसी बात है।